वैसे अगस्त के महीने में मैंने बताया था कि ये जो महीना है अगस्त का वो थोड़ा डल जाने वाला, लेकिन हुआ नहीं है। ऐसे बहुत सारे अच्छे फोन लॉन्च हुए, स्पेशली बजट एंड मिड रेंज फोन में। जी हाँ, रेडमी 12, पोको, टेक्नो भी आया, इन्फिनिक्स जी 10 प्रो भी आया, तो ऐसे बहुत सारे अच्छे फोन लॉन्च हुए। एंड इवन द लास्ट वीक ऑफ अगस्त इज गोइंग टू बी गुड, लेकिन ये जो वीडियो है ये है सितंबर का। अब सितंबर इज गोइंग टू बी बेटर देन अगस्त, क्योंकि दो तीन ऐसे फोन लॉन्च हो रहे हैं जिसके लिए हम पूरे साल रुकते हैं। कुछ नए फोन भी आने वाले, सब कुछ बताने वाला हूँ। विच फोन आर गोइंग टू लॉन्च इन द मंथ ऑफ सितंबर, देखते रहिए। इसे उसे वीडियो अच्छा लगता है, कुछ फायदा होता है, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए सबसे पहले लेते हैं अबाउट 50,000 जो फ्लैगशिप लेवल के फोन्स होते हैं। अब दोस्तों OnePlus Open उनका जो फोल्डेबल फोन होने वाला है वो पहले लॉन्च होने वाला था, अगस्त में लॉन्च होने वाला था, लेकिन पोस्टपोन हो गया। आई डोंट नो व्हाई, न्यूयॉर्क में लॉन्च इवेंट था, बट हां OnePlus Open लॉन्च होने वाला है, जिसमें बड़ी 7.8 इंच की AMOLED स्क्रीन है, 6.3 इंच का कवर स्क्रीन है, 8 Gen 2 पे होने वाला है। सो फ्लैगशिप लेवल फोल्डेबल फोन इज कमिंग फ्रॉम OnePlus, एंड ये जो है ये बेसिकली सितंबर के लास्ट वीक में लॉन्च हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच। जी हाँ, एक बार iPhones लॉन्च होंगे उसके बाद में शायद ये लॉन्च होने वाला है, और उसी हिसाब से आपको पता है दोस्तों सबसे बड़ा लॉन्च जो होता है वो iPhone का ही होता है साल में। यू हैव बीन वेटिंग फॉर इट, iPhone 15 सीरीज, जिसमें iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max आने वाला है, और कहा जा रहा है इस टाइम अल्ट्रा वगैरह भी कुछ करने वाले हैं। आई एम नॉट टू श्योर, लेकिन हाँ USB Type-C होने वाला है, बायोनिक A17 चिपसेट होने वाली है। सो बहुत सारे रूमर्स उड़ रहे हैं, लेट्स सी। एंड नॉन प्रो वेरिएंट्स में अब जो बोट नॉच है वो जाने वाली है, सो डायनेमिक आइलैंड आने वाला है, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऐसे रूमर्स है कि 13 सितंबर को ये लॉन्च होगा, कोई कोई कह रहा है कि 22 तक वो पोस्टपोन होने वाला है, बट अराउंड 13 सितंबर दिस आईफोन सीरीज इज गोइंग टू लॉन्च। वैसे रियलमी की तरफ से भी एक फ्लैगशिप फोन आने वाला है, रियलमी GT Neo 6, 6.7 इंच AMOLED 1.5K 144 Hz की स्क्रीन होने वाली है, 8 Gen 2 प्रोसेसर होने वाला है, दिस इज अराउंड 2nd या 3rd मिड सितंबर में लॉन्च होने वाला है। तो फ्लैगशिप लेवल के भी अच्छे फोन आ रहे हैं, आईफोन द बिगेस्ट लॉन्च ऑफ द ईयर दैट इज हैपनिंग। अब बात करते हैं अंडर 50,000 की। सबसे पहले तो OnePlus 11RT चाइना में OnePlus Ace 2 Pro के नाम से वो लॉन्च इनफैक्ट अगले एक दो तीन दिनों में होने वाला है, और उसके बाद में इंडिया में आएगा OnePlus 11RT के नाम से। वैसे ये भी दोस्तों 6.74 इंच 1.5K 120 हर्ट्ज एंड देन 50 MP का OIS कैमरा होगा, बट बिग थिंग इज 150W चार्जिंग ऑन अ OnePlus फोन। 150W, 120W तक है बट दिस इज गोइंग टू बी 150W। एंड OnePlus 11RT दोस्तों मिड सितंबर, अराउंड 2nd या 3rd वीक ऑफ सितंबर में ये लॉन्च होने वाला है। और एक फोन Xiaomi की तरफ से आने वाला है, Xiaomi 13T Pro। जी हाँ, अगेन वेरी सिमिलर स्पेसिफिकेशंस टू 11RT, बट ये MediaTek Dimensity 9200 Plus इस प्रोसेसर पे होने वाला है। इसमें भी 50 MP का OIS ट्रिपल कैमरा सेटअप है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च बाय 4th वीक ऑफ सितंबर। चलिए अब बढ़ते हैं प्रीमियम मिड रेंज, 25-30,000 की प्राइस रेंज में, बिटवीन 20 and 30,000। जी हाँ, इसमें कुछ अच्छे फोन्स आ रहे हैं। एक तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू iQOO Z7 Pro। जी हाँ, इट इज गोइंग टू बी प्राइस्ड वेरी वेल, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो बहुत अच्छा होने वाला है, जैसे हर एक iQOO फोन का होता है। इसमें Dimensity 7200 ये प्रोसेसर आने वाला है नया, 6.78 इंच FHD Plus 120Hz AMOLED स्क्रीन होने वाली है, 4600 mAh बैटरी एंड 66W चार्जिंग। दिस इज गोइंग टू लॉन्च ऑन 31st August itself। अब लेकिन हम 25-26 तारीख को ये वीडियो डालते हैं तो हम बताते हैं कौन से लॉन्च होने वाले। 31st August को ही ये लॉन्च हो रहा है, दिस मंथ itself। और अगस्त में एंड अगस्त 28th August को Vivo V29e लॉन्च होने वाला है, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड लुकिंग फोन, दिखने को बहुत अच्छा है दोस्तों। AMOLED बड़ी स्क्रीन है 120Hz है, बट ये स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर पे आता है, 64 MP का OIS कैमरा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग लॉन्च फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में कौन सा है, दे आर मेकिंग अ कमबैक। मैं बात कर रहा हूँ Honor 90 के बारे में। वैसे इसका हमने दुबई से फोन मंगा के वीडियो भी कर दिया है, अनबॉक्सिंग जरूर जाके देखिएगा, बट ये लॉन्च हो रहा है, बट उस वेरिएंट में और इंडियन वेरिएंट में स्लाइट कुछ चेंजेस होने वाला है ऐसे कहा जा रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। 6.78 1.5K का डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले, 120Hz है, 7th Gen 1, ये एक्सेलरेटेड प्रोसेसर है थोड़ा वो आने वाला है, 200 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है, 66W चार्जिंग एंड 5000 mAh की बैटरी, ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। सो Honor इज मेकिंग अ कमबैक एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। चलिए अब बजट सीरीज के बारे में बात करते हैं, बजट फोन्स के बारे में बात करते हैं अंडर 20,000। एक तो जियो लेके आ रहा है उनका जियो फोन 5G। जी हां, AGM होता है 28th August को, जनरली अगस्त को रिलायंस का AGM होता है, उसमें वो अनाउंस करते हैं, एंड आई थिंक जियो फोन 5G इज गोइंग टू बी नो डिफरेंट। कहा जा रहा है कि दो अलग अलग फोन होने वाले हैं जियो फोन 5G के, सो दैट इज व्हाट इज देयर। बट जो स्पेक्स वगैरह है, Qualcomm Snapdragon 480 प्रोसेसर, आई डोंट नो व्हिच वन कस्टमाइज्ड प्रोसेसर होगा, शायद 13 MP का डुअल कैमरा सेटअप है, 4500 mAh की बैटरी है, एंड 28th को ये लॉन्च होने वाला है। साथ में वी आर नॉट श्योर, इसलिए मैं क्विकली बता दूं कि Samsung, Tecno और Infinix की तरफ से भी एक एक फोन आ सकते हैं। यस, दे आर ऑल्सो कमिंग, ये बजट सीरीज के होने वाले। एंड Motorola की तरफ से G84 आने वाला है, इसे कहा जा रहा है, ये फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ही है, ये भी 20-21,000 की प्राइस रेंज में होने वाला है। सो यस, दोज वर द फोन्स दैट आर गोइंग टू लॉन्च इन सितंबर, जितना हमें पता है।
है एंड जनरली हम बताते हैं 90% एक्यूरेसी से वही स्मार्टफोन्स लॉन्च होते हैं, कभी उससे ज्यादा भी होते हैं लेकिन हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो हम आपको बता नहीं सकते। जिसमें कहा दोस्तों ये वीडियो का कुछ फायदा हुआ, कुछ अच्छा लगा ये वीडियो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर दिया। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।